आप ये कह रही कि आप लोगों का पिछला जन्म देख सकती हैं बिल्कुल लोगों का पिछला जन्म देख सकती हूँ मैं यस दिस इज राइट आत्माएं भी होती हैं एक, एक सुशांत सिंह का क्वेश्चन है मतलब अगर आप पास्ट लाइफ देख सकती हैं तो क्या आप आप अब अब ये भी देख, 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 देख सकती हैं कि उनको किसने मारा या वो सुसाइड था शांति देवी 1926 में इनका जन्म हुआ और इनकी स्टोरी ने पूरा देश हिला डाला इवन इनकी स्टोरी गांधी जी तक भी पहुंची और उनको भी ये समझ नहीं आया कि एक लड़की कैसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सारी चीजें बता रही है 1926 में ये केस आया जब शांति देवी छह साल की थी उन्होंने बताया कि उनके पास्ट लाइफ में जो उनके हस्बैंड है मथुरा में रहते हैं और जब उनकी फैमिली मथुरा गई तो जो जो वो बातें कर रही थी सारी सच निकली और ये केस ने पूरी इंडिया को हिला डाला कि ऐसा कैसे हो सकता है आज के इस पॉडकास्ट में आप ये समझ लीजिए सांसे थाम के रखिए क्योंकि आज हम इसी से पर्दा उठाने वाले हैं कि ये चीज़ें होती कैसे आज मेरे साथ है रेशम जी जो पास्ट लाइफ स्टडी करती हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम इनसे करेंगे कि कैसे ये चीज़ें होती है टैरो भी ये देखती है और बहुत सारी चीज़ें करती है थैंक यू सो मच रेशम जी आप आए हमारे पॉडकास्ट में एंड मैं so मैं मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए कि ये चीज़ें होती कैसी है क्योंकि बहुत कम नॉलेज है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सो मच तो सबसे पहले आ, आप बताइए ये शांति देवी का केस है क्या और ये एक्चुअल में सच हो सकता है बहुत लोगों को ये क्यूरोसिटी है कि ये कैसे हुआ है हाँ। देखिए जिस जमाने की ये बात है हाँ जी उस टाइम पे ऐसे भूतों प्रेतों के पॉडकास्ट तो वायरल होते नहीं थे नहीं थे है ना हाँ। तो ऐसा नहीं है कि एक चार साल की बच्ची चार साढ़े साल की थी वो तब कि उन्होंने अटेंशन सीख करने के लिए करा होगा या कोई ड्रामा क्रिएट करने के लिए करा होगा जी। हमारा उस टाइम पे ये पूरा फ्रीडम फाइटिंग का स्ट्रगल चल रहा था और ये सारी चीज़ें चल रही थी हमारी लाइफ में ये एक छोटी सी बच्ची आती है एंड बहुत ही छोटेपन से इसको अपना पिछले जन्म की बहुत बातें याद होती हैं हाँ जी पिछले जन्म में इन्होंने ऐसे बताया अपना पूरा उन्होंने नाम बताया जी, और बेबी डिलीवरी के आफ्टर टेन डेज बाद इनकी जो है डेथ हो गई थी जी, अब एज अ मदर आई कैन नो कि जब आपका एक बच्चा होता है ना तो आप उसको जब आप अपना शरीर भी त्याग देते हो तब भी आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो आपको अपना पूरा हर स्नेह उस बच्चे को देना होता है और स्पेशली वो टाइम जब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हो या उसको हर एक बहुत डीप कनेक्शन होता है हां जी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आत्मा होती है हमारी जब हमारी शरीर की मृत्यु भी हो गई तो उसके ना बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं जी। उसको उन टाइम पे वो लाइफ को और जीने का मन था जी। अपने फैमिली के साथ अपने हस्बैंड के साथ पर ये तो एक नियति थी कि उनका फिर से जन्म हुआ और उनकी उस लाइफ टाइम में इतनी ही एज लिखी गई थी तो जब उनका रीबर्थ हुआ तो उनको वो सारी बातें फ्लैश से याद आते थे और वो अपने घर वालों को रेगुलर इंटरवल्स पे बताती थी बट इतनी छोटी सी बच्ची है बिलीव तो जल्दी से होगा नहीं उसकी बातों पे। तो वन फाइन डे उनको वहाँ ले जाया जाता है कुछ लोग बोलते हैं वो वहाँ पे भाग के गई हैं कुछ लोग बोलते हैं ले जाया जाता है तो उस सिटी के अंदर जब वो रेलवे स्टेशन पे होती हैं तो छोटी सी बच्ची चार साढ़े चार साल की एक बहुत ही बड़े एज के आदमी को बोलती हैं जेठ जी हाँ जी बिल्कुल एलियन सिटी इंटरनेट का जमाना नहीं आप एक रैंडम स्ट्रेंजर को पहचान कैसे गए जी तो वो उनको पहचान जाती हैं और बोलती हैं जेठ जी एंड फिर उसके बाद वो उनकी पूरी फैमिली बहुत हैरान हो जाती है हाँ, वो, वो मैंने ये पूरी केस स्टडी पढ़ी है तो इसमें बताया गया है कि जो शांति देवी थी जब वो मथुरा गई तो उनको एग्जैक्टली पता था कि कहा उनकी दुकान थी एड्रेस तक एड्रेस पता तक था तक, पता था, वो सबको ले गई पे और जो जो उन्होंने बातें बताई वो सच निकली और ये केस हाइयर लेवल तक गया उस समय गांधी जी वगैरह जो भी फ्रीडम फाइटर थे सबके पास गया इतनी टेंशन की जो न्यूज थी फ्रीडम के टाइम पे स्वतंत्रता के टाइम पे ये एक नेशनल न्यूज बन गई थी उस टाइम पे जी पर जब ये छोटी बच्ची वहां पर जाती हैं एंड तो उनको पता चलता है कि उनके हस्बैंड रीमैरिज कर चुके हैं एंड hmm. उन्होंने और उनके हस्बैंड ने एक प्रॉमिस किया होता है hmm. कि हम मतलब hmm. मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा ah. तो उनके लिए ना एक बहुत ही अभी मैं बता रही हूँ ना मुझे गूज गूजबम जा रहे हैं उनके लिए hmm. ना एक बहुत ही दिल टूटने वाली बात होती है hmm. तो कई बार ऐसे होता है ना कि बड़ों ने तो नहीं सिखा के भेज दिया हो सकता है प्रॉपर्टी का कोई चक्कर हो या यू नो ऐसी भी बातें हो सकती है तो फिर जो उनके हस्बैंड थे मतलब जो उनके पास लाइफ के हस्बैंड थे और वो अब नया जन्म ले चुकी हैं उन दोनों ने बैठ के रूम में बात करी तो बहुत उन्होंने बातें बताई फिर भी उनको टोटली totally कन्विंस नहीं हो रहा था कि ये है कि नहीं तो फिर कुछ इस तरीके से बात हुई कि उनकी लाइफ में उनका बेबी कैसे आया एंड उन्होंने वो पूरी एक्टिविटी को अपने हस्बैंड को डिस्क्राइब करा मतलब अपने पास लाइफ के हस्बैंड को जिससे वो इस लाइफ टाइम में मिली ठीक है तो उनके हस्बैंड मान गए कि वो उन्हीं की ही जो है मतलब प्रीवियस प्रीवियस लाइफ लाइफ की थे थे। थी। तो ये जो एक है ये क्लासिक केस है जब पास लाइफ रिग्रेशन सिखाया जाता है इस तरीके की चीजें सिखाई जाती हैं तो हम इस तरीके के केसेस भी हम रिस्टडी करते हैं ठीक है तो मैं बिल्कुल चाहूंगा मैं ना ऑडियंस को भी ये कह रहा हूँ कि दिल थाम के बैठ जाना लास्ट तक देखना पॉडकास्ट क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपसे पूछने वाला हूँ जो पूरा का पूरा राज उजागर कर देंगे कि ये पास्ट लाइफ होता क्या है उसके पीछे की क्या साइंस है कैसे काम करता बिल्कुल, बिल्कुल, है बिकॉज ये हो रहा है और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं अभी रिसेंट में आज तक ने एक केस कवर किया था जहां एक छोटी बच्ची विदेश की लैंग्वेज बोल रही है इंग्लिश बोल रही है और वो कहती है कि वो पहले वहां रहती थी और उसके घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता किसी को इंग्लिश English... okay. ah, okay. <laughs> ले रहे ना <laughs> तो आप मुझे बताइए ये होता कैसे ये पास्ट लाइफ कोई कैसे स्टडी कर सकता है और आप इस फील्ड में कब से आई ये कैसे काम करता है देखो मैं ना एक बात बताती हूँ बचपन में एक ना सीरियल आता था तब तो इन सब बातों के बारे में इतना पता भी नहीं था राज पिछले जन्म का गूगल हाँ। करेंगे ना तो पता हाँ। नहीं के... बहुत सालों पहले हाँ। और मुझे ना उस सीरियल को देख इतना इंटरेस्ट आता था ना भाई नेक्स्ट लेवल क्योंकि एक होता है ना कि जो आपका सोल लेवल है जो आपका इंटरेस्ट है और बच्चे को किसको इंटरेस्ट आएगा यार पास लाइफ रिग्रेशन को देखने के अंदर तो उसके अंदर उस टाइम के जो बहुत अच्छे अच्छे हीलर्स थे या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट थे hmm. उस सेशंस के अंदर गए हुए हैं hmm. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर क्या करते हैं आपके क्लाइंट को लिटाया hmm. जाता है या कुर्सी पे बैठाया जाता है या बेड पे लिटाया जाता है एंड पहले आपके साथ किया जाता है हिप्नोसिस अच्छा ठीक है मैं uh, मैं हिप्नोसिस एक्सपर्ट भी हूँ हिप्नोथेरापिस्ट जिसको बोल सकते हैं ठीक है एंड हिप्नोसिस इज अ डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन अच्छा तो उसके अंदर क्या करते थे राज पिछले जन्म का में आपके क्लाइंट को लिटा देते थे एंड उनका कोई डीपेस्ट फियर होता था जैसे कि आ, कोई लेडी है वो ड्राइविंग ही नहीं कर पाती ठीक है या फिर कोई हाइट पे ही नहीं चढ़ पाता कोई क्लोस्टोफोबिक है और इस लाइफ टाइम से उसका कोई लेना देना नहीं है ऐसे सारे फोबिया सबके होते है? किसी को हाइट से डर हाँ हर किसी का और बचपन में अगर आपके साथ हुआ हो मान लो जैसे एक बारी मेरा छोटी नहीं थी मतलब जब मैंने जॉब शुरू शुरू करी थी अपनी मेरी स्कूटी का एक एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे कई साल तक ना ड्राइविंग करने में एक रही है, है एक डर रहा ठीक है बट कुछ फियर्स होते हैं आपके बहुत डीपर रूटेड होते हैं हुँ. तो उनको क्या करते हैं पहले हिप्नोसिस की स्टेट में लेके गए हम आपके क्लाइंट को हुँ. मतलब जैसे अगर मैं आपके साथ कर रही हूँ मैं आपको हिप्नोसिस की स्टेट में लेके गई इसके लिए आपका परमिशन चाहिए मुझे ऐसा mm. नहीं है कि वशीकरण में मैंने आपको कुछ बोला और mm. आप अब वो जैसे मैं mm. आप बोल रही हूँ आप कठपुतली की तरह नाच रहे हो इज नॉट लाइक दैट हिप्नोसिस इज अ डीपर स्टेट इज द डीपेस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन यू कैन से इन अ वे एंड इन ये एक ऐसी चीज नहीं है कि कोई आपके लिए कर सकता है ये एक्चुअली mm. आप उसकी बात सुन के खुद कर रहे हो आपके माइंड को रिलैक्स किया जा रहा है mm.

इस प्रोफेशन के अंदर काफ़ी सालों से हूँ सो व्हाट इज कि अगर मेरा कोई को स्टूडेंट या कोई मुझ पर ये ट्राई कर रहा है तो वाट इज जब मैं हिपनोसिस स्टेट में आई ना तभी शायद मैं पास्ट लाइफ में पहुँच जाऊँ अच्छा। मैंने ये एक्सपीरियंस करा है ठीक है ठीक है लेकिन अगर कोई बिगिनर है तो इट विल टेक टाइम उस स्टेट में जाने के लिए बट पास रिकॉर्ड जो हम आगे बात करेंगे पर कहीं ये बिल्कुल स्टार्टिंग में लोग ये ना सोचने लग जाएं जो पूरा नहीं देखें फॉर एग्जाम्पल इसलिए पूरा देख लेना इसको अदरवाइज हाँ हाँ uh, समझ रही नहीं रही। आएंगे और मैं चाह रहा हूँ कि हम इतनी डीप में बातें कर रहे हैं जो कोई नहीं बताएगा आपको बिल्कुल तो मैं रेशम जी आपसे चाहता हूँ कि पास्ट लाइफ अगर कोई किसी की देखना चाहता है तो कैसे देख सकता है और ये चीज़ कितनी एक्यूरेट होती है ऐसे केसेस तो आए हैं बट क्या कोई भी किसी की लाइफ देख सकता है देखिए अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान के पास जाते हैं हाँ जो काफ़ी साल से इस प्रोफेशन के अंदर और जेन्यन है वो तो आपको बिल्कुल ए टू जेड आपकी सब कुछ जो आप प्रॉब्लम नहीं भी बता रहे ना वो भी आपको बता देंगे अच्छा सब कुछ इनफैक्ट अगर आप उनके पास वो फियर लेके भी नहीं जा रहे तब भी वो आपको ये बता सकते हैं कि आप आपको क्या पानी से डर लगता है hmm. या आपको क्या इस चीज से डर लगता है तो वो क्या देख के बता देंगे अगर वो? आप लाइफ करवा रहे हो तो क्या होता है पास लाइफ अच्छा मैं पहले डिफरेंस बता देती ताकि कंफ्यूजन नहीं हो इसके अंदर देखिए लाइफ रिग्रेशन के अंदर क्या होता है हम अपनी क्लाइंट को उसकी पास लाइफ में लेके जाते हैं वो एक तरीके से एक डीपेस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन में होता है वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स देखता है खुद उस चीज को देख रहा है या समझ रहा है या फील कर रहा है एंड फिर उसको वापस एप्नोसिस की स्टेट से वापस लेके आया जाता है एंड उसको कुछ ना कुछ एक तरीके से अफॉर्मेशन या बातें बोली जाती हैं कि अब तुम इससे यू नो इट इज हेल्पिंग यू आउट है ना एंड आप इससे बाहर आ रहे हो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग होता है जिसके लिए बाकी जिसके लिए मैं मतलब एक तरीके से मेरा काफी अच्छा है जानी जाती हूँ तो उसके अंदर मैं क्लाइंट्स की पास लाइफ देखती हूँ अच्छा तो मैं डिफरेंस हाँ, बता देता हूँ हाँ, पास में क्लाइंट ही अपनी पास है, exactly. जाते, जाते, जाते हैं और समझ गए करेक्ट जी बताइए आगे तो फिर तो जब क्लाइंट का जो भी कोई डीपेस्ट फियर है डीप रूटेड फियर है हर किसी को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को पानी से कुछ लोगों को मतलब कुछ केसेस इस तरीके से आए हैं जिनको एक लाइफ टाइम में रेबीज था hmm. उनकी डेथ इस कंडीशन से हुई है एंड hmm. इस लाइफ टाइम में भी सिंस बर्थ वाटर से एक अलग लेवल का फोबिया है अच्छा या काफ़ी बार इस तरीके के डिजीजेस होते हैं जो मेडिकली भी सामने नहीं समझ आ पाते इवन डॉक्टर्स इनफैक्ट मैंने खुद एक इस तरीके की इलनेस फेस करी है कुछ डिजीजेस को हम बोलते हैं कि हमने खुद से मैनिफेस्ट कर लिया खुद से क्रिएट कर लिया एंड मेडिकली hmm. वो चीजें नहीं आ पा रही जी आपने उनको खुद से क्रिएट कर लिया अपनी बॉडी के अंदर ठीक है। सो इन दैट स्टेट आल्सो दीज काइंड ऑफ ओके और जहां ये डिबेट होती है ना कि साइंस एग्री करती है कि नहीं करती hmm. वहां जब ये वाली डिबेट आ जाती है तो मैं बोलती हूँ <laughs> अब बहुत लोग बैश करेंगे इसको लेकर बट

आ, वो ये कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी पास्ट लाइफ देखी हुई है तो मतलब मैं प्रोसेस जानना चाहूँगा कि इंसान जैसे अपने आकस्क रिकॉर्ड्स और ये अपना रिग्रेश पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी बताया तो आप जब किसी से किसी की पास्ट लाइफ देखते हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है और क्या सच में आप आत्माओं से बात करते हो क्या आप भूतों से बात कर सकते हो तो ये कैसे होता है क्योंकि बड़ा इसके बारे में नॉलेज कम है देखिए जैसे कि हम एक डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन में गए अब बहुत जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गया पास करवाने के लिए भी क्लाइंट को हमें उसको कितना रिलैक्स करना पड़ा हिप्नोसिस से कितना हमने उसको एकदम शांत करा उसके बाद वो उस ध्यान मुद्रा में गया यानी उस चीज को दे कर है, पाया ठीक ऐसे ही सदगुरु की अब की लाइफ हम देखते हैं वो इतना अच्छे फेम में है लेकिन उन्होंने भी बहुत तपस्या करी है ठीक है उनका वो वाला लाइफ टाइम या वो वाला टाइम लोग बहुत कम दिखाते हैं बट जब आप एक ध्यान में होते हो ना आप एक शांति में होते हो आप एक इवन अगर आपकी किसी से कोई इमोशनल टर्मोइल चल रहा है इस लाइफ टाइम की मैं आपके लिए बात कर रही हूँ आपका दिमाग इतना क्लटर्ड है कि समझ नहीं पा रहे आप कि गलती आपकी है कि गलती आपके पार्टनर की है लेकिन अगर आप थोड़ा सा शांत होकर देखो पानी पी के देखो आँख बंद कर कर देखो तो यू विल रियलाइज कि, कि किसकी गलती है शायद आपकी खुद की भी निकल सकती है सिमिलरली पास्ट लाइफ रीड करना या करवाना या फिर अगर कोई सीखना चाहता है या कोई करता है तो उसके लिए एक बहुत ही शांत मन एंड डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन की ज़रूरत होती है है। पहली शुरुआत होती है ये है। अब मेडिटेशन करने के हजारों लाखों तरीके हैं ठीक है, है? उसमें से सबसे पहला तरीका है जिस चीज से आपको रिलैक्स है चाहे, फिर वो कल होना हो के सॉन्ग सुन के क्यों ना आप रिलैक्स फील करें आपको एक शांति वाले स्टेट पे आना है एंड वंस यू आर रेडी देयर आर मल्टीपल मल्टीपल एंड इन्फानाइट वेज ऑफ गोइंग इन योर पास लाइफ जैसे कि जो मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं उनमें से एक मरकबा आता है जिससे आप अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हो मरकबा को भी करने के चार तरीके हैं जो मैंने सीखे हो सकता है और भी होते हों आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग आती है जिसको भी करने के काफ़ी तरीके होते हैं ठीक है फिर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कई लोग अपनी ड्रीम्स में पास्ट लाइफ देख लेते हैं कई लोग अपनी मेडिटेशन के अंदर पास्ट लाइफ देख लेते हैं बहुत वेरियस वेज होते हैं बहुत वेरियस वेज होते हैं बट जो मैं एक थोड़ा सिंप्लीफाइड वे है जो मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ मेरे को ऐसा लगता है क्लाइंट के लिए सबसे कन्वीनियंट है वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग क्योंकि अगर आप मेरे पास आते हो कोई एक डीप रूटेड इशू है चाहे रिलेशनशिप का फैमिली का मनी मैटर का कोई इलनेस का जो बाकी किसी भी वे से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे रिपीटिंग पैटर्नस पे आ रहा है तो इन दैट केस आप मेरे पास आते हो आप अपने फुल नेम मेरे को बताते हो मैं आपसे परमिशन लेती हूँ आप मेरे सामने बैठे होते हो क्लोज रूम है या वीडियो कॉल या सेशन है या फ़ोन कॉल सेशन है ऐसे व्हाट्सएप चैट वगैरह नहीं आप नहीं। नहीं। मेरे सामने हो किसी भी फॉर्म में या एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो फोन पे आप मुझे जैसे ही अपनी परमिशन देते हो करंट लीगल नेम पे तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग पाथवे प्रेयर से ओपन होते हैं जिसको चैनल किया गया था बाय लिंडा हावे नाम लाइक like, ठीक है एक प्रॉपर फॉर्मेट है उसकी प्रॉपर एथिक्स हैं ऐसी कोई भी किसी के लिए नहीं कर सकता ठीक है hmm. जैसे ही आपका वो ओपन हुआ आई विल टेक अ फ्यू मिनट्स एंड देर आर हाई चांसेस दैट विदाउट इवन कि आप अपनी प्रॉब्लम आपने शेयर भी नहीं करी है hmm. वो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी दिखने लग जाती हैं फील hmm. होने लग जाती हैं सुनने लग जाती हैं इट कुड बी एनी इट्स लाइक स्पेस जहाँ पर एक थ्री विजुअल विजुअल्स हो सकते हैं सुनाई दे सकता है दिखाई दे सकता है अब हर साइकिक की अपनी एक सेंस ऑफ क्लेयर होती है फ्यू पीपल स्मेल कई लोगों को सुनाई देती हैं आवाजें ठीक hmm. है कुछ लोगों को टेम्परेचर सेंसेशन होती हैं उस जगह पर एंटर करने के लिए बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव ऑल दी क्लेर्स एंड दैट्स द रीजन आई फील वेरी वेरी ब्लेस टू हेल्प माई क्लाइंस इन अ वे और मुझे भी अपनी पास लाइफ से एक बात ये पता है बहुत ही स्पेशल कि मैं इसको काफ़ी पास लाइफ से कर रही हूँ मैंने अपना ओरेकल पास लाइफ भी देखा है क्या होता है ओरेकल पास लाइफ ओरेकल पास लाइफ एक एलियन लाइफ था जो मैंने अपना देखा था वहाँ पे अच्छा बहुत ही अजीब अजीब शक्लें थी मतलब हुँ. अगर मैं जैसे अवतार मूवी है एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ नॉट सेम लाइक दैट बट कुछ एकदम ह्यूमंस uh, नहीं थे वो और उस जीवन में भी मैं लोगों को उनकी प्रॉब्लम से निकालती थी एंड उनको उनकी पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ इश्यूज रिजोल्व करने के लिए बताती थी तो आप कह रहे हैं कि आपने अपना पास्ट लाइफ देखा हुआ है हाँ और हमारी मल्टीपल पास्ट लाइफ होती हैं जैसे जो मेरी साइकिक पास्ट लाइफ जो मैंने देखनी चाहिए कि मेरी मोस्ट पावरफुल जैसे जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए कि आप ये देखो कि आपकी मोस्ट पावरफुल पास्ट लाइफ क्या थी Powerful past life से आपका क्या मतलब है जिसने आपको सबसे empower मतलब, एक energy दे के। जिस लाइफ में आप सबसे पावरफुल थे स्ट्रॉन्ग थे थे, strong थे and बहुत अच्छा अच्छा कर रहे थे उस lifetime के अंदर ठीक अच्छा, है वो powerful और फिर हम ये भी देखते हैं कि आपकी मोस्ट मिजरेबल लाइफ कौन सी थी मैंने अपनी मोस्ट मिजरेबल पास्ट लाइफ भी देखी है अच्छा। जिसके अंदर मैं घोड़े के ऊपर बैठी हुई हूँ मेरा एक हाथ कटा हुआ है उसके अंदर कोई एक युद्ध जैसा चल रहा है एंड आई एम हेल्पलेस एंड उसके आगे की डिटेल्स काफी पर्सनल है वो मैं नहीं शेयर करना चाहती बट यू कैन सी दैट तो जैसे आप बता रही हैं कि आप सभी पास्ट लाइफ में आपने एज एज अ अ जन्म लिया था या मैन नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं देर आर पास्ट लाइफ जहाँ पे जेंडर भी नहीं पता चलेगा आपको ऐसी भी पास्ट लाइफ हो सकती हैं आपकी अच्छा सोल स्पेसिफिक बट एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने जैसे एलियन पास्ट लाइफ में तो जेंडर नहीं समझ आया था कि क्या है उस ठीक है एनर्जी का इनफैक्ट आप उससे विजडम भी ले सकते हो उस पास्ट लाइफ से उससे ब्लेसिंग्स भी ले सकते हो आप उस पास्ट लाइफ से ठीक है और बहुत डीपर चीजें जो आप इस लाइफ टाइम में परेशान हो जैसे एक किसी पास्ट लाइफ में मैं एस्ट्रोलॉजी करती थी मैं एक ये एग्जांपल हाँ सॉरी हाँ मुझे पता है आप कुछ बताना चाह रहे हो बट एक बहुत ही प्यारी सी बात आपको बताती हूँ जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती डीपली हाँ थोड़ा बहुत सीख रही हूँ मुझे इंटरेस्ट है और इन सारी प्रैक्टिस के साथ मुझे बहुत कम टाइम मिलता है लेकिन मैं जब आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ अपने क्लाइंट के लिए कई बार ऐसा होता है कि उनकी दशाएं पता चल जाती हैं रिकॉर्ड्स ओपन कर कर और उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए इनफैक्ट hmm. एक मेरे अपने लिए एक ये चीज़ आई थी कि मुझे एक मेरी स्टूडेंट ने बताया कि मैम आपका कार एक्सीडेंट हो सकता है प्लीज़ बी केयरफुल तो अब ऑब्वियसली एंगजाइटी हो तो होगी तो मैंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन कर, कर देखा कि मैं इसका क्या सोल्यूशन करूँ क्योंकि ये सारी मोडालिटीज सिर्फ डराने के लिए थोड़ी ना है कि कार एक्सीडेंट हो सकता है ये सारी मोडालिटीज तो इसलिए है ना कि आप अपने आप को इससे कैसे हेल्प करो बचाओ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा आपने कहा पास्ट लाइफ देख रही थी तो आप

अगर एक लड़की ने जिद पकड़ ली कि हाँ इससे करनी है शादी तो वो करेगी उसमें चाहे उसकी कुंडली मैच हो चाहे नहीं हो लव मैरिजेस में तो यही होता है राइट तो ऐसे ही मैंने कहा कि भाई मैं क्या करूँ तो उसके अंदर मेरी प्रॉपर दशा आई उस दशा के हिसाब से मुझे एक रेमेडी पता चली कि मुझे भैंसे को बैंगन खिलाना है ठीक <laughs> है अब मैं कह रही कितनी ऑड रेमेडी है ये और मैंने उसको गूगल कर कर देखा पता नहीं गाय या भैंसा एग्जैक्टली आई थिंक आई डोंट रिमेंबर तो मैंने उस रेमेडी को गूगल कर कर देखा उसी hmm. पर्टिकुलर दशा की थी जो मेरी इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकली चल रही थी जो मुझे hmm. पंडित जी ने बताया मेरे एंड hmm. hmm. क्योंकि मैंने एक पास्ट लाइफ में एस्ट्रोलॉजी करी थी hmm. तो मुझे बहुत क्लाइंट्स के लिए hmm. एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी आती है और उनकी वो दशाओं से भी मैच हो जाती हैं अच्छा तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपने पिछले जन्म में एस्ट्रोलॉजर थी तो आपको वो चीज़ याद है अभी हाँ तो क्या इंसान याद का... नहीं है जब मैंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करे तब आपको याद तब मुझे पता चला मैंने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जहाँ पे जो फादर थे वो एस्ट्रोलॉजर थे मम्मी टीचर थी ये मेरी एक और स्टूडेंट ने मेरे लिए रीडिंग कर कर मुझे इस तरीके से बताया था जी तो क्या आप ऐसे वेलीडेट भी कर सकते हैं कि आपके स्टूडेंट ने कहा ऐसा है और आपने फिर बाद में जाके खुद भी देखा क्योंकि आप भी ये चीज़ करती हैं आप उस लाइफ टाइम को एक ड्रीम की तरह कंटिन्यू कर कर देख सकते हो अगर आप जैसे अच्छा। उस सेम चीज को देखना चाहते हो और इंटेरोगेट करना चाहते हो आप कर सकते हो उसको हाँ जी मैं मैं चाहता हूँ कि ना आप थोड़ा सा जैसे मान लीजिए किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो क्या वो इस तरीके से इस चीज़ को सही कर सकता है पास्ट लाइफ देख के या कोई भी उसके लाइफ में रिलेशनशिप का इशू चल रहा है तो कैसे वो चीज़ें सही कर पाए बिल्कुल देखो वैसे तो मैं सच में बताऊँ बहुत सारी चीज़ें जैसे हम जब एस्ट्रोलॉजर्स एंड साइकिक्स को ढूंढने बैठते हैं तब हम अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते हैं

आपका सर्विस ले लो और हम आपका बॉयफ्रेंड वापस ला देंगे मुझसे भी चला आती हैं। करते भी होंगे, मुझे तो पता नहीं मैंने पैसे देने के लिए नहीं है क्योंकि हमने इनको डेढ़ लाख रुपए दे दिए इनको दो लाख रुपए दे दिए मेरे को तो नहीं समझ आता दे कैसे दिए पहले बट वहां पे आपकी भी समझ होनी चाहिए लेकिन उस टाइम पे ना एक इंसान को अपसेशन हो जाता है कि नहीं मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में तो उसके लिए वो हर तरीके के टोटके जो देख रहे हैं hmm. जो भी आ रहा है इंटरनेट पे hmm. वो फिर उसको करने लग जाते हैं बेचारे वो क्या करें इतना hmm. उनको दुख है या दिल टूटा hmm. हुआ है उनका hmm. लेकिन जो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग आती है ठीक hmm. है उसके अंदर इफ दे आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ कैन बी एनीथिंग ट्रूथ में आप भी गलत हो सकते हो hmm. मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आकाशिक hmm. रिकॉर्ड्स में पहले आपको आपकी गलती बताई जाती है क्योंकि वो आपके सोल रिकॉर्ड्स हैं एंड गलती करिए तभी तो उसका कोई ना कोई हम भुगत रहे हैं एंड hmm. पहले आपको बताई जाती है फिर उसके लिए आपको उसका सोल्यूशन बताया जाता है hmm. और हर प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन कर hmm. कुछ प्रॉब्लम आपने इतनी ज्यादा टैंगल करी है आपकी लाइफ के अंदर की आपको उनको सफर करना ही पड़ेगा गो थ्रू करना ही पड़ेगा साइकिक्स रीडर्स एस्ट्रोलॉजर्स दीज पीपल आर नॉट समू कैन

तंत्र के अंदर भी आती हैं तंत्र को भी दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छे और बुरे तंत्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं ट्रू भी होती हैं रेमिडीज़ भी हम इस तरीके की काफ़ी देखते हैं और ऐसा भी नहीं कि वो काफ़ी रेमडीज़ उसमें से रियल ही होती हैं बहुत नॉलेजेबल रियली really बहुत नॉलेजेबल भी हैं काफ़ी लोग जो उसमें बहुत डीपली उस चीज़ को शेयर करते हैं लेकिन बस मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के लिए रेमेडी शेयर कर रहे हो तो उसको शैतानी दिमाग गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है।, है तो ये फिर उसका डीड है हाँ। एल्कोहल तो सबके लिए है अवेलेबल है ना तो अब उसको कुछ पीते हैं और कुछ नहीं पीते कुछ पीते हैं कुछ नहीं पीते कुछ इस तरीके से पीते हैं कि उनका कुछ अता पता नहीं है हाँ। इस तरीके से ये नॉलेज सबके लिए अवेलेबल है अब वो उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो उनके हैं ठीक है मुझे आप ये बताइए की इंसान जब आ, मर जाता है हुँ. तो उसके बाद क्या होता है ये बहुत क्वेश्चन है क्योंकि आप तो पास लाइफ लोगों की देख लेती हैं तो क्या प्रोसेस होता है क्या यमराज होता है या उसके पापों का हिसाब लिया जाता है जैसा हमने अभी तक सुना है जो स्टोरीज में तो ये क्या होता है ये उससे पहले ना मैं आपको एक बात बताती हूँ अभी मैंने अपनी क्लास के अंदर ही एक एग्जाम्पल बताया इसी का मरने के बाद एक अंकल थे मतलब वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं ड्राइव कर कर जा रहे थे उनकी डेथ हो गई जी। एक अंकल बच गए एक अंकल की डेथ हो गई जी। उनकी गाड़ी के अंदर ना एक डियर का सॉफ्ट आई रखा हुआ था एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट डन इन लाइफ मुझे याद रहती है तो मेरे पास एक क्लाइंट आई उसने बोला बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ के अंदर मेरा प्रैक्टिस पीरियड ही चल रहा था उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है एंड मुझे ना उसके घर में एक हिरन की एनर्जी गोल्डन हिरन स्पिरिट जैसा दौड़ता हुआ नजर आ रहा था अच्छा ठीक है जब मैं आँख बंद कर कर उसकी रीडिंग कर रही थी तो समझ ही नहीं आया मैंने कहा आप किसी फॉरेस्ट के पास रहते हो क्या रहते हो क्योंकि मैं बिगिनर हूँ ना तो मैं उसको कर रही थी उस टाइम पे एनालाइज करने की कोशिश कर थी समझ ही नहीं आया डियर 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 बार बार हिरन 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 वाला डियर बार बार आ रहा था समझ ही नहीं आ रहा रीडिंग्स क्लोज हो गई मतलब रिकॉर्ड्स उसके क्लोज हो गए उसका कॉल आता है वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल आता है उसका उसने लिखा कि उसके घर में एक सॉफ्टवेयर डियर उसने वीडियो कॉल पे मुझे वो दिखाया और एक Hmm. अच्छा खासा बड़ा डियर था hmm. Hmm. तो फिर रिकॉर्ड्स उस लड़की के फिर से ओपन करे पता चला इसके अंदर एक स्पिरिट hmm. वो है, ट्रैप्ड है. Hmm. फिर पता करा तो इनका बोलते ना अकाल मृत्यु hmm. तो जब अकाल मृत्यु होती है पहले मैं आपको बताती हूँ तब स्पिरिट एक शॉक के अंदर होता है अकाल मृत्यु जैसे की अचानक अचानक मौत हो जाना उसके कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके अकॉर्डिंग उसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हुए जैसे एक मेरे बहुत क्लोज है नोन सबसे दुखद है एक तरीके का वो कि उनकी बेटी के फर्स्ट बर्थडे वाले दिन ही हुँ. उनके पेट्रोल पंप पे ब्लास्ट हो गया था हंड्रेड परसेंट बर्न्स थे उन्होंने उसके लिए पूरी तैयारियां करी हुई थी एक दिन पहले बर्थडे की केक हुँ. स्मैश वगैरह तो जब इंसान के वो अधूरे रह जाते हैं ना तो उसके बाद उसका जो स्पिरिट है उसको हुँ.

स्पेशली पता नहीं मेरे को सम्भव बहुत सुसाइडल केसेस वाले स्पिरिट्स जैसे आए hmm. कॉन्टैक्ट में तो hmm. so, उनकी एंड मोमेंट पे ना उनको बहुत ज्यादा फ्लैशेस ऑफ लाइट और लास्ट के मोमेंट पे ना बहुत मेमोरीज उनको दिखाई जाती हैं ठीक है उनकी खुशियों वाली मेमोरीज भी दिखाई जाती हैं और जो उनके अधूरी चीज़ें रह गई या दे वांटेड टू कॉल लाइक देर स्पिरिट्स हु एक्चुअली वॉन्टिड टू डाइल देयर मदर यू नो लाइक बिकॉज एज एन एम्पाथ यू विल फील देयर इमोशन कि एक बार ही मरने से पहले हाँ मम्मी की इतनी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं उनको फोन मिला ला लेती इस तरीके के भी स्पिरिट्स आते हैं जी. तो हर जो भी जिस पॉइंट ऑफ लाइफ पे वो होते हैं ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड <laughs> जो वो उनका इनकम्पलीशन चल रहा होता है <laughs> उनके दिमाग में वही चीज घूम रही होती है एंड बेसिस ऑन दैट फ्यू स्पिरिट्स चूज टू नॉट लीव अर्थ एंड फ्यू स्पिरिट्स गो टू द लाइट

बचपन में हमें बोला जाता था कि अच्छा करो वरना नहीं अगर आप किसी के हिस्से का खाना खाओगे अगले दिन, अगले जन्म में बंदर बन जाओगे है ना या फिर बोला जाता था नरक में कढ़ाई में तला जाएगा अगर देखा जाए तो ये एक बच्चों के अंदर गुड क्वालिटीज इनहेरिट करने के लिए भी बोला गया है कि वो चलो किसी का झूठ मतलब किसी के हिस्से का नहीं खाएं या अगले उसमें वो जी। बाकी बहुत हर सोल एक डिफरेंट चीज़ को एक्सपीरियंस करता है कुछ लोग ऐसे हैं जो गार्डन में बैठे हुए हैं अपने पप्पी से रीयूनाइट हो गए हैं अपनी फैमिली से री रि, हो गए हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने नेक्स्ट मेरी अपनी नानी जी का एक है बहुत ही पर्सनल उनकी उनसे जब कनेक्ट उन गाज़ियाबाद से ही थी मेरी नानी एक्चुअली तो उनके जब सोल से कनेक्ट करा है तो उनकी एक लाइफ टाइम हो चुकी है और उसके बाद भी उनकी डेथ हो चुकी है एक लाइफ टाइम होने के बाद एंड अभी जहां पर उनकी सोल थी मैं बहुत डिटेल नहीं शेयर कर सकती लेकिन एक बात उनकी बताऊंगी जो हमेशा रहेगी साथ नहीं, में नहीं। अभी वो अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए रेडी नहीं है तो उनको उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ट्रेनिंग वर्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं ट्रेनिंग दी जा रही है उनको उनकी नेक्स्ट लाइफ के लिए वहां पे पूरा एक एक एनर्जी है मतलब एक हर कोई स्पिरिट अलग लेवल अलग तरीके से शो कर रही होती है लेकिन जैसे मैं अगर समझाने के लिए बोलूँ तो एक बादल हैं बादलों के ऊपर एक बहुत ही शांति का एन्वायरमेंट है वहाँ पे भी अलग अलग टास्क चल रहे हैं वहाँ पे भी अलग अलग तरीके के बुक्स जैसे हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हर चीज एवरी थिंग इज नोटेड एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी नेक्स्ट जन्म दिए जा रहे हैं नेक्स्ट रिश्ते आपको मिल रहे हैं तो ये यमराज करवाते हैं क्योंकि हम हमने हम ये सा... तो रिलीजन स्पेसिफिक है कि हाँ। हम ये वर्ड्स बोल देते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में सनातन धर्म में यही बताया गया है कि यमराज आपके लेखा जोखा रखते हैं ये हर रिलीजन के अंदर डिफरेंट स्पेसिफिक है बाइबल के अंदर भी जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की बुक है उसके अंदर भी है कि देर इज अ अज्म के अंदर भी है हुँ. हर रिलीजन के अंदर है ये एंड रिकॉर्ड्स आर देन एंड विच इज ट्रू इसीलिए जब हम ये बोलते हैं ना कि भगवान को कोसते हैं ईश्वर अल्लाह जीसस जिनको भी आप मानते हैं गुरु तूने मेरे साथ ऐसा किया हुँ. क्यों किया क्यों दिए दो क्यों छीन लिया मेरे पति को क्यों छीन लिया मेरे बच्चे को क्यों वी आर फाइटिंग विद द गॉड एक्चुअली एक लाइन है जो बहुत ही अच्छी है कि आपको ईश्वर माफ कर सकता है लेकिन आपके कर्म नहीं मतलब ऊपर वाला एक बारी को आपको माफ़ कर देगा सहानुभूति दे देगा लेकिन आपको अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे एक बहुत ही एक एग्जाम्पल इस तरीके का है कि एक इंसान था उसके हाथ नहीं थे तो उसने ये पूछा बहुत दुखी था वो क्योंकि ऑब्वियसली एक इस तरीके की एनर्जी है और वो दुखी था इस चीज़ से राइट कि उसके हाथ नहीं है तो उसने उसको उसको जब उसकी पास्ट लाइफ देखी तो उसको पता चला कि

बहुत गलत कराया एंड काइंड काइंड ऑफ ऑफ रिलेशन रिलेशन यू यू हैव हैव विद विद गॉड दैट दैट एंड एंड यूनिवर्स इफ उन्होंने आपके साथ करी है hmm. उनके साथ वो हो रही है hmm. वापस. It, it तो जो लोग किसी को परेशान करते हैं मारते हैं या खून करते हैं तो क्या उनके साथ गलत होता है भिल्कुल. एक बहुत ही अच्छी बुक है जिन लोगों को इंटरेस्ट हो जैसे डीपली इधर उधर से गलत सलत इंफॉर्मेशन लेने से अच्छा है मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स बहुत अच्छी किताब है उसको पढ़ो आपको खुद समझ आ जाएगा आपका खुद एक ऑथेंटिक सोर्स से आपको पता चलेगा कि हाँ ना काफ़ी सारे ऐसे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ब्लैक मैजिक को कि कोई किसी को करवा देता है उसकी लाइफ बेकार हो जाती है इसके बारे में बताइए क्या होता है ये मतलब क्या एक्चुअल में ब्लैक मैजिक होता है और कैसे होता है होता है तो होता है पर इतना नहीं होता जितना दिखाया जाता है अच्छा। सच बता रही हूँ होता है डेफिनेटली होता है बट इतना नहीं मतलब अब मैं दो साल से देख रही हूँ डेढ़ साल से हर किसी पे ब्लैक मैजिक हुए जा रहे है यार ऐसे नहीं होता है यार मतलब सीरियस दो साल से ज्यादा शायद ऐसे पॉडकास्ट आने शुरू हो गए हैं लगने भी लगा हम पे ब्लैक मैजिक है लोग पहले बताते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है नहीं भी होता है तब भी बता देंगे ऐसे कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि नींबू पड़ा होता है नींबू मिर्च उस पे पैर नहीं रखना चाहिए कुछ हो जाएगा या इसका चौराहे वो उसके बारे में बताइए कि जो शॉप्स होती हैं आपने देखा होगा कि नींबू मिर्ची वहां पे टांगी जाती है क्यों टांगी जाती है क्योंकि एक तरीके से मिर्ची जो होती है होती है है वो बहुत तेज और नींबू बहुत खट्टा होता है तो किसी भी तरीके की दृष्टि को वो काटने का काम करती है ठीक है अच्छा। तो यानी कि जितनी भी सारी नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी हो गई वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई राइट इसीलिए नमक आपने देखा होगा बहुत सारे सैलॉन्स वगैरह में पानी के ग्लास के अंदर नींबू उसको रखते हैं है ना या रॉक सॉल्ट रखते हैं क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है अब किसी चीज़ की नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई अब नेचुरल सी बात है अगर उसने ऐसे दुकान के बाहर ही ऐसे ला के फेंक दिया उस चीज़ को एंड आप नहीं। नहीं। उसके ऊपर स्टेप कर देते हो तो किसी ना किसी फॉर्म में आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लोगे तो इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कार्ड करना चाहिए एज़ पर माई बिलीफ सिस्टम एंड इन चीज़ों को फिर चौराहो वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत चीज़ें हैं अब इसके अंदर अब क्या ही मैं कितना ही बोलती जाऊँ बट येस बी केयरफुल मैं तो ये बोलूंगी बट एवरी थिंग इज़ नॉट ब्लैक मैजिक तो आपने कोई ऐसा केस देखा है कि आपकी कोई क्लाइंट हो या जिन पे ऐसा कुछ करवा दिया हो और उनकी पूरी लाइफ बेकार हो गई हो ऐसा कुछ हुआ एवरी डे मतलब बहुत सारे इस तरीके से क्लाइंट्स हैं। तो एक इस तरीके से क्लाइंट आए जिनकी बात मैंने सुनी और पता चला दो ब्रदर्स थे वो और एक बच्चा खेल कूद में अच्छा और एक बच्चा पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट फर्स्ट क्लास तक बहुत ही बहुत ही ब्रिलियंट mm -hmm. तो जो बच्चा खेल कूद में अच्छा है तो उसको तो पहले के टाइम में तो mm -hmm. क्या ही है है ना mm -hmm. कि खेल कूद में अच्छा है क्या ही करेगा लाइफ mm -hmm. में ऐसे लोग mm -hmm. सोचते थे mm -hmm. और जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा था mm -hmm. उस बच्चे के नेबर ने आउट ऑफ जेलिसी दे मेड ही मीट समथिंग ऑन अ होली और अ दिवाली डे आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बिकॉज होली एंड दिवाली आर एक्सट्रीमली

वो बाकी लोगों की मैरिज भी देख रहे थे अपनी लाइफ के अंदर एंड आफ्टर सम टाइम उनकी मैरिज नहीं हुई उनके दूसरे फैमिली मेम्बर की हो गई उनके बच्चे भी हो गए hmm. तो नेचुरली बहुत डिस्टर्बिंग सा रहा एंड आफ्टर सम टाइम ही टुक हिज लाइफ तो पूरी लाइफ टाइम समझ ही नहीं आया hmm. उन लोगों को hmm. कि तो ये क्लाइंट ने अपनी फैमिली की बात शेयर करी थी hmm. ये था

सेकेंड चीज हो गया कि दे टेक एनी थिंग फ्रॉम योर बाल hmm. रुमाल hmm. सुन, इस पर भी आता है इतना रुमाल ले लिया या यू नो एक्सेट्रा और कोई चीज ले ली hmm. पर्स ले लिया hmm. शर्ट ले ली उसकी इतनी पब्लिकली है ये तो hmm. पता नहीं कैसे लोग वीडियोस देख के करते हैं या किसी को जाके करवाते हैं तो ऐसे क्या लोग भी बैठे जो करते हैं किसी के लिए हाँ हाँ हा, उनका प्रोफेशन है ये अच्छा मतलब प्रॉपर मतलब वो दूसरों की लाइफ बर्बाद करने का प्रोफेशन है उनका देखो उनको पैसे मिल रहे हैं ठीक अच्छा। है उनको आप अच्छा करने के लिए बोलोगे अच्छा कर देंगे बुरा करने के लिए बोलोगे बुरा कर, बुरा कर देंगे वो उसको अच्छा तो जैसे आप पास लाइफ लोगों की देख लेती है तो क्या आप ये सारी चीजें सही कर देती है उनका ये ऐसा कुछ होता मैं किसी की लाइफ को रीराइट नहीं कर सकती इन अ वे बट जब उनकी वो सफरिंग्स का पता चल जाता है तो कर्सेस इन अ वे लिफ्ट किए जा सकते हैं इफ जिसने जिस एनर्जी का अब फॉर एग्जांपल किसी एक्स नेगेटिव आदमी ने किसी की लाइफ में कुछ बुरा करवाया है ठीक है एंड अब उसके ऊपर एक स्पिरिट है ठीक है अच्छा मैं सॉरी आई uh, मैं आपको रोकूंगा मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई किसी पे भूत प्रेत का साया भी डलवा देता है करके अच्छा बिल्कुल Achha. तो अब आपके आपने आकाशी को ओपन करा तो उसके अंदर वो जैसे स्पिरिट है तो उसने आपने मैंने पूछा उससे कि वाई आर यू हेयर आप क्यों हो यहाँ पर hmm. या जो भी तो hmm. समाइम so वो बात करती भी बेचारी तड़प रही है ना जो स्पिरिट्स भी हैं hmm. वो उनको थोड़ी ना है दे आर ऑल्सो और ये स्पिरिट्स होती भी कौन है मोस्ट ऑफ द केसेज में जिनकी अकाल मृत्यु हुई होती है कि नहीं नॉट एवरी अकाल मृत्यु लाइक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जिनकी स्पिरिट फ्री नहीं हुई होती है hmm. ठीक है तो जिनकी स्पिरिट नहीं फ्री है तो उनको फिर कोई ना कोई तो कैच करेगा कहीं ना कहीं फीट किया उनको एक इंस्ट्रक्ट किया उनको उनका भी पता नहीं वशीकरण करते होंगे जो भी डीपर नहीं है मेरे को इसके अंदर पता बट उसके बाद जब वो एनर्जी उसके अंदर प्रोजेस है बट विद इन आकाशिक जिसकी मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें मैं बता सकती हूँ कि वैन आई टॉक टू दैस स्पिरिट उसको बिल्कुल बच्चे की तरह प्यार से उससे बात कर कर उसको बोल कर कि यहाँ के आने वाली आबाद वाली दुनिया बहुत अच्छी होगी आप आज़ाद हो जाओगे प्लीज़ यू नो आपको मैं लाइट की तरफ भेजूंगी आप प्लीज़ चले जाइए एंड रेडी टू लीव बट समे आर नॉट रेडी टू लीव स्टिल आत्माएँ दिखती कैसी है आप तो उनको देखती हैं तो क्या वो जैसे इंसान जैसे वो अपनी लाइफ में थे हाँ. जैसे ब्लू शर्ट वाइट डेनिम या जो भी हाँ. जैसे लुक में वो मोस्टली रहते थे हाँ. वो अपने आपको वैसे ही दिखाते हैं अनटिल अगर आपको एक आत्मा डराने की कोशिश कर रही है कि डोंट गो फर्दर

ये जो तीन असूल हैं हमारे जो हम आकाशीय जो एथिकली इस चीज़ को करता है तो अगर आप कर रहे हो इसको एथिकली विद प्रॉपर प्रोटेक्शन कर रहे हो प्रॉपर आप मेथड के साथ कर रहे हो तो दिस hmm. स्पिरिट्स विल नॉट बी एनी ऑफ एनी हार्म टू यू बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू देम यू आर नॉट डूइंग एनी बैड टू दैम हाँ गुड कर सकते हो इन अवे जैसे उनको रिलीज कर बट

अपनी जिंदगी खत्म करी हो और अब वो बिल्कुल बेबस है उसको मुक्ति भी नहीं मिल रही बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ बहुत कीमती है सुसाइड आकाशिक रिकॉज में ऐसे मैंशन है अगर आप सुसाइड करते हो तो यू र... कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद योर गॉड आपने खुद की जान ली ना गॉड ने तो आपको और लंबी लाइफ दी थी आपके ईश्वर ने आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को कट करा आपने गॉड के कॉन्ट्रैक्ट के साथ गद्दारी करी तो अब आपकी आत्मा जल्दी से फ्री नहीं हो पाएगी ठीक है तो अब इस केस में ये आत्मा बहुत ही बेबस है लाचार है उसको तो पता नहीं था कि आफ्टर डेथ ऐसे हो जाएगा तो अब जितने भी हैं उनके लिए वो इजी टारगेट है उनसे वो फिर कुछ भी करवाएं जब वो इंसानों से कुछ भी लोग करवा लेते हैं तो इनसे भी करवा सकते हैं बट अच्छाई भी है और और बुराई भी है तो भूत और आत्मा क्या अलग होते हैं आत्मा तो आप और मैं दोनों हैं ठीक है हम दोनों के अंदर आत्माएं हैं है। तो आत्मा तो मतलब भूत जिसको हम बोलते हैं वो एक तरीके से भूतकाल है बीता हुआ कल भूतकाल वर्तमान काल

मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि मतलब ये एक नज़र की बात है या आत्माओं की बात है जैसे हम नजर बोलते हैं कि कोई किसी को नजर भी लगा देता है तो जैसे इंडिया में कई ऐसे बड़े बड़े हैं उनको नजर क्यों नहीं लगती मैं ये सबसे पूछता हूँ <laughs> जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं मैं कहता हूँ की रिलायंस को क्यों नजर नहीं लगती वो क्यों अच्छा आप देखो जब अभी अम्बानी का इतना अच्छा ये जो बड़ा बैश हुआ उसमें एक रील्स भी वायरल हो रही है कि ब्लैक कलर का धागा पहना हुआ है सबने देखा आपने नहीं मैंने नहीं, देखा। नहीं दे एवरी वन इज वेयरिंग लेफ्ट कलर लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में ब्लैक कलर का धागा पहना हुआ है एंड आर वेयरिंग एक्सपेंसिव ज्वेलरी रियली अमेजिंग ब्रांडेड क्लोथ डायमंड से स्टडेड हैं एंड हर किसी के हैंड में ब्लैक कलर का धागा विजिबल है अच्छा ये क्यों है ताकि नजर ना लग जाए ताकि नजर ना लग जाए बट उसके बाद भी नजर लगेगी हाँ। मतलब एक हाँ काटेगी नजर वो धागा काटेगा हुँ। लेकिन हुँ। बहुत पावरफुल होगा आई एम sure, श्योर जो भी उनके वहां होंगे जो पंडित एस्ट्रोलॉजर एक्सट्रीमली अच्छे वाले बढ़िया वाले होंगे बट उसके बाद भी लगती है उसके बाद हमें नहीं पता ना लोग अपने दुख कम प्रदर्शित करते सही बात खुशियां हम सब देख रहे हैं उसके बाद क्या हुआ फैमिली में तो आप ये कहती है नजर सबको लगती है हो सकता है वो कुछ करवा लेते होंगे ताकि उनको नजर ना लगे सेलिब्रिटीज के बच्चों को भी नज़र लगती है हाँ जी, हाँ जी। ये इसन, लग जाती है तो नजर से बचने के लिए इंसान क्या कर सकता है कि उसको नजर ना लगे एक तो वो काला टीका है या एक काला टीका या कमरे में खुद को बंद करके बैठ जाए नजर से बचने का बच्चों को भी आप पहना सकते हो नजर जो बहुत ही छोटे बेबीज है आपने देखा होगा कि उनको तो चांद हाँ, और छोटा सा पहना रखा होता है वो बच्चों को नजर से बचाने के लिए होता है धागे वगैरह जो भी हर रिलीजन में अलग अलग है बट ये सारी बातें अच्छी हैं इन बातों में कुछ गलत नहीं है ताबीज़ भी होती हैं तो आपकी फैमिली में आपके रिचुअल्स में जो भी होता हो आप उसको कर सकते हो और कुछ भी नहीं है अगर मतलब अगर किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है नहीं। तो सिंपली फाइव मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत हरिद्वार से मंगवा के नेचुरल लेके आप इसके अंदर भी मैं प्रेफर करती हूँ कि शॉप से हो देख के लो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें भी बहुत फेक होता है बट हाँ रुद्राक्ष इज अ वंडरफुल थिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम नज़र तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं लोग और इसमें कोई बुरी चीज नहीं, नहीं होती तो धर्म में पर हाँ टाइम टू टाइम जो है हाँ. कुछ भी आप पहन रहे हो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने रुद्राक्षी पहना है तो आफ्टर एवरी 15 डेज जैसे कि धूपबत्ती ले लो हुँ. और उस लोबान वाली है और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा उसकी नेगेटिव एनर्जी क्लेंस कर दो अच्छा ठीक है अब लोबान के अंदर भी बहुत अलग-अलग वैराइटीज आती हैं सेज भी होती है एक सेज यूजली uh, बाहर के कंट्रीज में ज्यादा फेमस है बट hmm. वो भी काफ़ी अच्छी होती है एनर्जी क्लेंस करने के लिए अमेजॉन hmm. वगैरह पे मिलती है ठीक है ठीक है hmm. मैं अब ना उस पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब उस सेक्शन hmm. पे आ रहा हूँ पॉडकास्ट के जहाँ हम कुछ रेमेडीज की बात करते हैं hmm. बहुत सारे लोग पैसों की प्रॉब्लम से परेशान <laughs> है जिंदगी में और रिलेशनशिप इश्यू चल रहे हैं आप उनको जो पैसों की प्रॉब्लम से परेशान है कई लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलते कई लोग होते हैं वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं जैसे अंबानी के घर में जो पैदा हुआ है वो जन्मते ही सब कुछ है और कई लोगों के पास कुछ नहीं है लेकिन मेहनत करके बहुत बड़े बन जाते हैं नरेंद्र मोदी इज अ गुड एग्जाम्पल गरीबी से पैदा हुए तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं रेमेडीज है, है जिससे लोग काम जो करे उनमें उसको सफलता मिले ऐसा कुछ हो सकता है देखो पहले तो मैं बोलूंगी कि जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो उसके अंदर वैसे तो पहली वंडरफुल रेमेडीज होती हैं आपकी फैमिलीज के अंदर ही होंगी लेकिन जो बहुत अच्छी जैसे जिनका बिजनेस या कारोबार है उनके लिए कुबेर भगवान जी का धम मंत्र होता है धम, हुँ। धम, हुँ। धम 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 इसको ऐसे अगर आप धम बोलोगे ना आपके होट भी वाइब्रेट होंगे बोलते हुए तो ये बहुत ही एक एक्सलेंट मंत्र है इसको आप कुबेर जी को स्थापित कर कर एंड धम मंत्र को जो है आप चैंट कर सकते हो 108 एंड एट टाइम्स जो नहीं कर सकते तो फिर वो यूट्यूब पे प्ले कर लें सुबह के टाइम पे अपने ऑफिस के अंदर या अपने जहाँ पे भी उनका कारोबार है और जो सिनेमन होता है सिनेमन होता है दालचीनी विच इंडिकेट्स प्रोस्पेरिटी तो सिनेमन के फॉर्म में या तो सिनेमन स्टिक लेके आप उसको बर्न कर सकते हो स्पेशली ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ या फिर न्यू मून के साइकिल के टाइम पे आप उसको बर्न करो तो ये आपकी लाइफ के अंदर प्रोस्पेरिटी एंड अच्छी इनकम को वो करता है ठीक है ठीक है और लक्ष्मी माँ है फिर लक्ष्मी माँ के बहुत सारे मंत्र होते हैं एक लक्ष्मी माँ का बहुत ही वंडरफुल मंत्र है क्लीन कमलगट्टे की माला पे किया जाता है वो आप कर सकते हो कमलगट्टे की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला पे आप उसको कर लो ठीक है तो वो भी बहुत ही वंडरफुल मंत्र है बट नियत अगेन अगर आप किसी का पैसा मारकर बैठे हो और उसके बाद ये रहे हो लॉटरी जीतने के लिए तो दैट्स नॉट राइट सही है और एक चीज़ और है कि इंसान को मेहनत तो करनी पड़ेगी कोशिश तो करनी पड़ेगी हुँ. उसके बगैर तो right. है right. तो यहां पे यहां तक पड़ेगा, उसके लिए भी बहुत गए हैं exactly. जो शायद अभी so right. तो जो भी सुन रहे हैं एक चीज सुन लो जितनी भी चाहे साइंस में जितनी चीजें हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आप आज झोपड़े में बैठे हो आपने चार मंत्र पढ़ लिए और आप महल में पहुंच गए नहीं एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे कर्म तो करने पड़ेंगे अगर ऐसा होता हाँ। तो अगर हम किसी रोड साइड इंसान में जो बेचारा बैगिंग कर रहा है या हाँ। जो भी उस चीजें कर रहा है हाँ। उसको हम मंत्र चैंटिंग्स करवाएं तो हाँ तो कुछ रास्ता तो निकलेगा हाँ। बट उसकी पूरी कर्मा एंड डेस्टिनी नहीं चेंज हो सकती उससे सही बात सही और ये तो बात की हमने पैसों के बारे में अभी रिलेशनशिप बड़ा लोगों का प्रॉब्लम है किसी की शादी नहीं हो रही किसी की शादी हो गई तो अपनी बीवी से परेशान है सारे बीवियों से ही परेशान है पतियों से भी परेशान है ऐसे पतियों से परेशान है जो हमारी लेडीज बहने देख रही है तो क्या करा जाए मतलब वो रिलेशनशिप इशू एक बहुत बड़ा लोगों के लाइफ में है तो क्या करेंगे वो इसको देखिए मुझे बहुत ज़्यादा टोटे टोट के तो नहीं आते बट ऑल आई कैन सेज की सबसे पहले तो कोई रेमेडी करने से पहले जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ ठीक है बिफोर यू नो बिफोर इवन गोइंग टू योर पार्टनर जस्ट रियलाइज कि आप क्या गलती कर रहे हो रिलेशनशिप के अंदर देन आप अपने पार्टनर से डिस्कस करो उस प्रॉब्लम को बिफोर गोइंग टू एन एस्ट्रोलॉजर लाइक वॉट इज बिफोर टेलिंग द रेमेडी आई वॉन्ट टू शेयर लाइक पीपल गो टू कार्ड रीडर्स एंड दे वॉन्ट टू नो कि वेदर माई हस्बैंड और वाइफ हैविंग एन एक्स्ट्रा अफेयर और नॉट दैट कैन आल्सो वो भी पता चल जाता है रीडिंग, तो मतलब उसी से एक तरीके से शुरू करा था अपनी तो. मेरे का नाम भी ट्री उसके अंदर हाँ, भी टैरो हाँ, हाँ. तो, तो है ही इज माय फर्स्ट रोजी रोटी जिसको हम बोलेंगे जैसे आए पता लगवाए कि अच्छा चलो अब शक करने लग गए अपने हस्बैंड के ऊपर बट दे विल नेवर वॉन्ट टू डिस्कस इट लाइक मेरी कुछ क्लाइंट्स आएंगे बोलेंगे हमें करवानी है hmm. ताकि हस्बैंड जो है उनको मैसेज hmm. uh, करे आगे सेपरेशन में हस्बैंड आगे से मैसेज करे separation. तो okay. मैंने बोला कि आप उनको क्यों नहीं मैसेज कर रहे हैं hmm. नहीं आई डोट वॉन्ट टू मैसेज हाँ एक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिलिंग्स पैसा लगाने को बट आई एम नॉट रेडी टू टू हीस इगो केस है बहुत सारे लोग होंगे जैसे मेरी क्लास में एक बड़ी प्यारी सी स्टूडेंट है वैसे उसने बोला और हमने उसको मजाक में ही निकाल दिया बात को प्रैक्टिस करने के लिए कहती कि मैम मेरी मदर इन लॉ से मैं बात करना चाहती हूँ तो उनसे कैसे करूँ आकाशिक के अंदर तो मैंने कहा उनके सोल को बुलाओ कहती मैम शी शीज अः तो मैंने कहा उनको उनको फोन उनको फोन लगा लो ना आप उनसे उनके सो, मतलब डू डू टू दिस फिर एक में, अभी रिसेंट बैच का एक स्टूडेंट कहता है मैम मेरे तो नानी नाना दादी दादा सब जिंदा हैं मैं किससे बात करूं मैंने कहा तो अच्छी बात है मैं कैसे बात करूं मैंने कहा तो अच्छी बात है ना उनको फोन लगाओ हाँ. मतलब आजकल ना क्या है कि लोग फैशन ही बन गया है ये ऑकल्ट वगैरह का जो है तो लोग मृत के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं जो जिंदा है उन रिलेशनशिप को नहीं संभाल रहे क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था रिलेशनशिप रेमेडी रिलेशनशिप देखो रेमेडी एक तो रोज क्वॉस का ब्रेसलेट आता है जेनविन अगर आप उसको पहनो जेनविन अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप्स में एक्चुअली अफेक्ट अच्छा दिखाता है सबसे पहले वो आपके हार्ट को हील करेगा आपके हार्ट चक्रा को yeah. उसके बाद जो भी इश्यूज आपके हार्ट चक्रा के अराउंड आप फेस कर रहे हो उनको हील करेगा yeah. मैंडरिन डक्स की तस्वीरें आती हैं yeah. तो एक रेमेडी है अब आप लोग बोलोगे कि ये टोटका है बट दिस इज नॉट लाइक अ टोटका टोटका इट्स अ वेरी सिंपल थिंग इट्स अ विजुअलाइजेशन आपको हनी का जार लेना है उसके अंदर जैसे हस्बैंड वाइफ हैं अगर बच्चा है आपका तो बेबी का भी आप अपना नाम लिख सकते हो और उस चिट को फोल्ड करते वक्त विजुलाइज़ करना है कि आपका आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप आपकी बेबी या बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है उसके अंदर स्वीटनेस ऐड हो रही है एंड आपने उसको उस हनी के जार के अंदर रख दिया बंद करा एंड अपनी जो भी आपके घर में मंदिर है या जो भी कोई पॉजिटिव सी जगह है उसको आप वहाँ पर रख सकते हो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा इट्स अ फॉर्म ऑफ स्वीटनिंग द रिलेशनशिप इन अ फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन जैसे भगवान को भी तो हम मीठा चढ़ाते हैं हाँ, है ना इस रूप में हाँ प्रसाद चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में तो इसकी कुछ नेगेटिव नहीं है और एक मैंने बताई थी वैसे अपने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी बताई हुई है लेकिन अगर कोई बहुत तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है तो इन दैट केस आप उस इंसान का नाम लिखो पेपर पे चिट पे कोई भी हो सकता है बॉस परेशान कर रहे है जो भी मतलब टू मच आपकी लाइफ में टांगड़ा आ रहा है तो चलिए मैं तो किसी को परेशान नहीं करता <laughs> कोई मेरा नाम मत लिख देना <laughs> तो उसमें क्या होता है कि आप उस इंसान का नाम लिख दो फोल्ड करो चिट एंड फ्रीज कर कर अपने फ्रीजर में उस इंसान का नाम रख दो अच्छा फ्रीज तो उससे क्या होगा वो इंसान फ्रीज हो जाएगा इट्स अ विजुअलाइजेशन अगेन अच्छा ठीक है तो विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होती है जैसे हम विजुअलाइजेशन कर कर ही अपनी लाइफ में बहुत चीजें अचीव करते तो ये हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा हो गया कि उसमें भी आप विजुलाइज करते हो यस yes, यस yes. ये, ये चीज आपके साथ हो जाए तो यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाता है कि कैसे होगा बिल्कुल बिल्कुल तो दिस इज काइंड ऑफ ऑफ लॉ अट्रैक्शन आप एब्सोल्युटली ठीक है अभी एक मतलब मैंने आई थिंक आपसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछ लिए हैं एक दो क्वेश्चन है एक, एक सुशांत सिंह का क्वेश्चन है hmm. मतलब अगर आप पास्ट लाइफ देख सकती है तो क्या आप उनकी पास्ट लाइफ भी देख सकती है कि अभी वो क्या कर रहे हैं या या अभी उनके साथ क्या हुआ या आप ये भी देख सकते हैं कि उनको किसने मारा या वो सुसाइड था ये इस पर तो आत्मा जा चुकी है हुँ. अगर उनकी फैमिली में से कोई मेरी तरीके से किसी हीलर के पास हुँ. आए और वो उनको बोले कि आई एम द फैमिली मेम्बर ऑफ हिम एंड मैं ये चाहता हूँ अपने मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करें एंड hmm. मेरी उनसे बात करवाएं hmm. सुशांत से बात करवाएं ठीक hmm. है फैमिली मेंबर मेरे सामने बैठे हैं या वीडियो कॉल पे हैं वो परमिशन दे रहे हैं देन आई कैन डू दिस प्रोसेस राइट बट आई कान डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन और मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब राइट क्योंकि सी हो सकता है अब मैं किसी के उस पर वो कमेंट तो नहीं करूंगी लेकिन काफी लोगों ने बोला उनसे सुशांत सिंह ने आके बात करी hmm. YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे आप एक के... बात बताइए एक सोल hmm. वो इतनी फ्री है कि वो 500 लोगों से जाके बात कर रही है सेम टाइम पे सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा वो बात hmm. think, जूटी, जूटी हो जाती है अनथिकल कि आई थिंक झूठी झूठी होगा या जो भी सच भी आए कांड से ऑफेंड हो जाएंगे लोग बट इन माई व्यू पॉइंट दैट इज अनएथिकल राइट अगर हाँ ये जरूर हो सकता है कि कोई जेनवनली उनकी क्लोज हो उनकी फ्रेंड हो बहन हो गर्लफ्रेंड हो उनके आ, माता पिता हो उन, उन्होंने प्रेजेंस दिखाई हो अपनी उनको ऐसे ही अभी उनकी सिस्टर आए थे एक पॉडकास्ट में और उन्होंने बताया था कि भाई ने मेरे को अपनी बहुत बार प्रेजेंस दिखाई उन्होंने ये भी बताया था शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग की एयरपोर्ड्स वो ढूंढ रही थी या कुछ इस तरीके से था उनका एग्जैक्टली नहीं ध्यान बट उनके वो भाई थे वो उनको दिखेंगे उनकी प्रेजेंस वो अपनी बहन को या अपनी फैमिली मेंबर को दिखाएंगे ना हो एम आई सही है या फिर सेकंड चीज ये हो जाती है अब ये तो खैर एक पॉपुलर थे बहुत ज्यादा है ना नॉर्मल भी कई बार ऐसा होता है आत्माएं एज साइकिक या मीडियम्स के थ्रू वो अपना मैसेज देना चाहती है अपनी फैमिली मेंबर को आती हैं कई बार आती हैं लेकिन 500 लोगों के पास नहीं आती और YouTube में लाइव नहीं आती और मतलब वो आप ये कह रहे हैं कि एज पर यू वो तभी आप उनका देख पाओगे जब उनकी फैमिली आपको परमिट करेंगे मैं तो तभी देख पाऊंगी मैं अच्छा। अपनी बात कर रही हूँ मैं तो तभी देख पाऊंगी मेरे मुझे यही अलाउ करते हैं ठीक है आई होप बहुत सारे लोग जो इस तरीके के क्वेश्चन की डिमांड कर रहे थे उनको मिल गया होगा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये जो पितर होते हैं जैसे कई लोग कहते हैं कि उनके घर में जिनकी डेथ हो गई है वो पितर में चले गए मतलब वो भगवान के थोड़े क्लोज है, उनकी है। तो वो उनकी पूजा करते हैं और हर घर में कुछ ना कुछ लोग आ, बोलते हैं इनको हम, बहुत भी होती है या पित्र दोष भी होते हैं, इस तरीके हाँ, से से आपने भी बोलते हैं। सुना होगा किसी ना किसी रीजन से देखिए लोग बोलते हैं कि पित्र दोष है यानी कि पितृ नाराज हैं एक तरीके से ठीक है या

मतलब शरा वो समय है जब हम उनको याद करते हैं ऑनर है। करते हैं उनको याद करते हैं हर हर जो इंसान गुजर चुके हैं उनका आ, एक दिन पड़ता है नाना जी जैसे मेरे नाना नानी नहीं रहे अब नानी का दिन अलग रहेगा नानू नानू का दिन अलग रहेगा उनके नाम से हम कुछ दान करते हैं हम उनको ऑनर करते हैं याद करते हैं इसी रूप में किसी गरीब का भी भला हो जाता है जी। तो आई फील इसमें क्वेश्चन इसको हमें क्वेश्चन या वो नहीं करना चाहिए और फर्दर लाइफ में इंटेरोगेट नहीं करना चाहिए ठीक है अगर बड़े कह रहे हैं कुछ इसमें कुछ गलत तो है नहीं वैसे भी किसी के लिए दान दानी हो रहा है तो कर दो बट कुछ केसेस में पितर एक्सट्रीम नाराज होते हैं एक्सट्रीम यानी कि कुछ फैमिली कुछ गलत कर रही है बहुत बड़ा गलत कर रही है तो उसमें वो इतने नाराज होंगे कि फिर वो अपनी प्रेजेंस भी दिखाएंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी हो सकते हैं जो कि फिर किसी को पैरानॉमल भी लग सकती हैं अच्छा तो क्या वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं कि उनकी लाइफ फाइनेंशियली अच्छी नहीं चल रही रिलेशनशिप नहीं अच्छे चल रहे वो भी होता है बिल्कुल फिर उसके उपाय वगैरह लोग करते हैं और हर सोल के लिए अलग उपाय होता है

ये केस स्पेसिफिक होती हैं चीज़ें कई लोगों के अंदर भी तो आते हैं हमने देखा है कि जैसे किसी के अंदर उसके पितर आ रहे हैं तो वो वो मतलब वो एक्चुअल में वैसे ही होता है हाँ हो सकता है देखिए हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कि वो कोई एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं इनफैक्ट मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ किसी की मदर इन लॉ था कुछ इस तरीके का कोई केस था मुझे बहुत डीपली याद नहीं आ रहा बट हाँ ऐसा होता है मैसेजेस भी कम्युनिकेट होते हैं नाराजगी भी होती है एंड उसके लिए फिर हर फैमिली में जो भी उनके एस्ट्रॉलॉजर्स हैं या जिस भी वो हीलर या किसी के पास गए हैं उनको उपाय भी बताते हैं बट जनरल उपाय पितरों को खुश रखने के लिए ये है कि रेगुलर बेसिस पे कि जो भी अमावस्या आती है अमावस्या इज़ द अम नो मून डे जिस दिन चांद नहीं निकलता है नहीं। तो उस दिन आप अपने पितर के नाम पर अगर आपके मन में डाउट भी है ना कि हाँ अगर मेरे पितर मुझसे नाराज हैं किसी ने भी बता दिया है रैंडमली तो उनके नाम से कुछ भी वाइट कलर का आप डोनेट कीजिए कुछ वाइट खाने का सामान बना के डोनेट कीजिए उनके लिए एंड इसमें किसी का अच्छा मतलब बुरा तो 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 होना है है ही ही नहीं तो कर नहीं कर रहे आप जी, अच्छा जी। ही हो रहा है इसके अंदर जी तो I hope बहुत सारी लोगों को चीजें पता होंगी जो पता लगी होंगी इस पॉडकास्ट से जो शायद पहले नहीं पता थी तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो एक हैप्पी प्रॉस्परस लाइफ जी सके एट द एंड मैं आपसे ये लास्ट क्वेश्चन से इस पॉडकास्ट को एंड करता हूँ मैं बात बोलूंगी कि अपनी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाओ ठीक है नॉट एवरी थिंग इज भूत ऑल्सो एंड नॉट एवरी अदर पर्सन इज झूठा ऑल्सो हर कोई झूठा भी नहीं है और हर कोई सच्चा भी नहीं है तो अगर कभी किसी के पास हेल्प लेने जाते हो तो मैं मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में अगर उसके बारे में आपने कहीं से वर्ड ऑफ माउथ में अच्छा सुना है तो अकॉर्डिंग टू मी उसी के पास जाओ आप हेल्प लेने ठीक है नहीं तो इंटरनेट पे जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं सारी सच्ची नहीं है एंड बहुत सारी चीजें सिर्फ आपको डराने के लिए करी जाती हैं सो बी अवेयर तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है तो अपने आप को एजुकेट करो काम करो कर्म करने बगैर कुछ भी नहीं हो सकता बट जिन लोगों को लगता है कि बिजनेस नहीं चल रहा है तो कोई उपाय कर लूंगा ज्यादा पैसा आ जाएगा कर्म तो हर इंसान को करने पड़ेंगे हम भी बैठ के यहाँ पे कर्म कर रहे हैं तो कर्म करोगे तो ज्यादा लकी हो गए माई वे ऑफ थिंकिंग थैंक यू सो मच रेशम जी आप आए थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी